नमस्कार मित्रों, मैं अनमेश शुक्ला, आपका अपना लीगल सेज। आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ। भक्सवाह फॉरेस्ट, आपने इस फॉरेस्ट का नाम तो ज़रूर सुना होगा। नहीं सुना है तो आपको बता दूँ, ये फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है। भक्सवाह फॉरेस्ट न्यूज़ में इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पर 2,15,000 से अधिक पेड़ों को काटने की तैयारी की जा रही है, और ये तैयारी कोई एक हफ्ते या एक महीने पुरानी नहीं बल्कि 2 साल पहले ही शुरू कर दी गई थी, जब स्टेट में कांग्रेस सरकार थी तो एक टेंडर निकाला गया जो कि भक्सवाह फॉरेस्ट की माइनिंग से रिलेटेड था। शुरुआत से बात की जाए तो सन 2000 से लेकर 2005 तक ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने यहाँ पर रिसर्च किया। रिसर्च में ये पाया गया कि यहाँ पर भारी मात्रा में हीरे यानी डायमंड अवेलेबल्स हैं। आज की बात की जाए तो 50,000 करोड़ के लगभग वहाँ हीरे अभी भी उपलब्ध हैं। 2019 में MP स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आदित्य बिरला ग्रुप को टेंडर दिया जा चुका है जो कि 50 साल की लीज पे है। MP गवर्नमेंट का कहना है कि इससे गवर्नमेंट को इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा जो कि सिटीजन्स वेलफेयर में यूज़ होगा। आपको बता दूं, इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी गई है। ज़रा सोचिए, जब 2,15,000 से अधिक पेड़ काटे जाएंगे तो वहाँ रहने वाले जीव जंतु कहाँ जाएंगे। कोरोना के कारण वैसे भी कई लोगों ने ऑक्सीजन की कमी में अपनी जान गंवा दी है। मानता हूँ माइनिंग से इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा, लेकिन जो इन्वायरमेंटल लॉस होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? पैसे का क्या है? पैसा तो जीवन में कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन ये जीवन ही चला गया तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा? इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या ये सही है कि हम प्रकृति के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करें? क्या हमको पैसे देने वाले हीरो की ज़्यादा ज़रूरत है या जीवन देने वाले पर्यावरण की? समझदार नागरिक बनिए, कमेंट सेक्शन आपका है। जय हिंद, वंदे मातरम।